हेलो रेवंत, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन फॉर नड्डा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मैथ के स्टूडेंट के लिए। जो CBSE क्लास 10th में है उनको टारगेट मैंने अचीव करके बता रहा हूँ, 80 में 80। इस वीडियो को देखकर जरूर से जरूर ला लिया। तो देखिए, आपको क्या करना है कि 80 में 80 मार्क कैसे ला सकते हैं आप, यानी कि टारगेट फोकस रखिए। लास्ट पेपर है आपका मैथ का, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है क्या करना है, ठीक। मैथ के जो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्या करेंगे कि जिससे कि आपको ना आता वही क्वेश्चन आपको पूरे मार्क्स दे दे एग्जामिनर, तो किस तरह से करेंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रही हूँ। और देखिए, वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको 80 अबाउट 80 मार्क्स दे दे। तो देखिए क्या करना है तुम्हें मैथ के सॉल्व करते समय, तो देखिए 4 स्टेप में हम आपको पूरा इस वीडियो को डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से पढ़िए, यानी पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। शुरू के 10 पेजों पे आपको क्या करना है जो जिससे कि एग्जामिनर आपको कॉपी को अच्छे से चेक करे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कोई क्वेश्चन आया तो ये आपको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो वो गिवन पॉइंट वो आपको क्लियर ही लिखना होगा। तो लिखेंगे गिवन डैट, जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक, जो पॉइंट देंगे। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप, यानी कि सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो गिवन है पहला तो उसको लिख लिया। सेकेंड स्टेप में आप फिगर या फॉर्मूला तो आपको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यानी फॉर्मूला और ब्रैकेट को जरूर लिखेंगे, जो फॉर्मूला है जो अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे फिगर है, डायग्राम बनाना है आपको, तो वो आप क्लियर ही आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक, जिससे कि एग्जामिनर खुश होते हैं। यानी देखा कि बच्चा स्टार्टिंग करा, गिवन करा, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर फिगर बनाया, फिर उसके बाद देखे कि टाइमिंग कितना लग रहा है। अगर ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है सवाल, यानी कि लॉन्ग है, तो आप अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से करिएगा। तो यानी कि रफ जिस पेज में आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं सबसे लास्ट में उसको रफ वर्क करिएगा, उसमें ही नहीं कर दीजिएगा, यानी कि लास्ट पेज पर आप रफ डाल के उसमें करिएगा। और टाइमिंग कंज्यूम, यानी कि टाइम का विशेष ध्यान देना है आपको, कि थर्ड नंबर पर टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल के पेपर में, तो जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन मैथ का है। देखिए, लेंथी पेपर आता है तो आपको टाइमिंग जरूर देख कर ही सॉल्व करना है, कितने मिनट में ये सवाल पुटअप कर लूँगा। देखिए, शुरू के जो फर्स्ट आवर होता है, यानी कि फर्स्ट एंड हाफ आवर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके क्रूशियल, यानी कि उसी में आपको मार्क्स गेन करना है, ठीक। फिर जो लास्ट पॉइंट है एंडिंग, यानी कि एंडिंग आपको कह सकते हैं, आंसर को बॉक्स के अंदर करना है, और रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रूफ डैट हैंस डैट जो आपको दिया हुआ उस तरह से आप पूरी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से नंबर देंगे, क्योंकि एग्जामर इन 4 पॉइंट से आपको नंबर देते हैं। तो यानी कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आपको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन में दिया उसको लिख लीजिएगा, फिर फॉर्मूला, डायग्राम, फिर आप कुछ अप्लाई कर दीजिए। जैसे मेंसुरेशन का सवाल आया आपके इरेसर्वे वॉल्यूम से, तो सबसे पहले आपने जैसे किसी का भी फॉर्मूला आया, फिगर बनाया है, और उसके बाद आपका फॉर्मूला लिखा, जो गिवन टाइट वो पॉइंट लिख दिया, रेडियस है, डायमीटर है, जो भी गिवन है आपको, एरिया ऑफ सर्किल, कुछ भी कोई गिवन है उसको लिख लीजिए, फिर उसको सॉल्व करा, जैसे TSA हुआ, LSA हुआ, तो ये आपका फॉर्मूला लिख लीजिएगा और डायग्राम बनाइएगा। फिर जो आपको नहीं पता, तो सारे फॉर्मूले जो पता है उसको सॉल्व कर दीजिए, तो आइडेंटिफाई इससे हो जाएगा कि आपको काफ़ी नॉलेज है, तो एग्जामिनर इससे खुश होकर आपको नंबर देता है। तो देखिए, स्टार्टिंग अच्छे से करिएगा, ठीक, फॉर्मूला लिखेंगे, टाइमिंग कंज्यूमिंग जो आपको आता है सबसे पहले उनको करिएगा, और एंडिंग में आंसर को आप बॉक्स के अंदर क्लोज करेंगे, जिससे कि आप टीचर की नज़र में आएंगे, तो यानी कि आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक वो स्टेप में मार्किंग दे देगा, यानी कि इस तरह से आप पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। केस स्टडी वाले अच्छे से करिएगा, तो ये क्वेश्चन है कुछ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे हैं सब्जेक्टिव हैं, उन्हीं हिसाब से आप रैंकिंग पर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये नहीं आप टाइम जो नहीं आ रहा उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग पर फोकस रखेंगे कि जो कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो इस तरह से आप गेम प्लान बनाइए, तो
ये मैंने आपको 4 स्टेप बताया था, इनकी सहायता से आप 80 में 80 टारगेट कर पाएंगे। जो जिनको भी ये वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।